हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पासवर्ड कार्ल लिनक्स की हेल्प से किस तरह से रीसेट कर सकते हैं। आई मीन टू से दैट किसी भी वजह से अगर हम अपने या अपने फ्रेंड के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पासवर्ड भूल गए हैं या याद नहीं आ रहा है, तो फिर चाहे वो विंडोज़ 11 हो, 10 हो, 7 या कोई भी विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्यों ना हो, किसी भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पासवर्ड कार्ल लिनक्स की हेल्प से रीसेट किया जा सकता है। सो लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन टू परफॉर्म हाउ टू रीसेट आवर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड यूजिंग कार्ल लिनक्स। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैं अभी यहाँ अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की स्क्रीन पर हूँ और अपने दोनों अकाउंट से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली आई फॉरगॉट माई बोथ अकाउंट लॉगिन पासवर्ड एंड अनेबल टू लॉगिन इन माई विंडोज़ यूज़र अकाउंट। आई थिंक ये काफ़ी लोगों के साथ होता है, या फिर जब भी कभी हम अपने पुराने कंप्यूटर को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं जो कि महीनों से कभी ओपन ही नहीं किया एंड फॉरगेटर। सो द क्वेश्चन इज अराइव्ड हियर, हाउ टू रीसेट इट। तो इसके लिए सबसे पहले हमने अपनी एक पेन ड्राइव कार्ल लिनक्स की लाइव इमेज से बूटेबल बनानी है। एज आई नो ऑलमोस्ट सभी को पेन ड्राइव बूटेबल बनाना आता होगा, सो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस स्टेप। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। और पेन ड्राइव बूटेबल बनाने के लिए हम कोई भी बूटेबल सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, लाइक रोफोस एटसेट्रा। अदरवाइज यू कैन गूगल इट, हाउ टू मेक अ लाइव बूटेबल पेन ड्राइव ऑफ कार्ल लिनक्स। सो नाउ कम टू द पॉइंट। जब हमारी पेन ड्राइव कार्ल लिनक्स से लाइव बूटेबल बन जाएगी, तो सिंपल हमने पेन ड्राइव सिस्टम में इंसर्ट करके उसे पेन ड्राइव से लाइव बूट करना है। इट्स अ वेरी सिंपल। बस एक बार हमारा सिस्टम कार्ल लिनक्स की पेन ड्राइव से लाइव बूट हो जाना चाहिए एंड देन द सीन विल बी बिगिन, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। सबसे पहले हमने अपना एक टर्मिनल ओपन करना है एंड देन फाइंड द विंडोज़ इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। उसके लिए टर्मिनल पर हमें टाइप करना होगा lsblk एंड हिट द एंटर बटन। नाउ यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन माय विंडोज़ ड्राइव ऑन मीडिया काली, और यू कैन टाइप df कमांड आल्सो। यू कैन आल्सो सी विंडोज़ इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी हियर। नाउ नेविगेट टू द विंडोज़ ड्राइव फर्स्ट। But if you are unable to find your Windows installation directory here, there is another simple process. Just open your file explorer in Kali Linux and find the Windows drive and do the right click on the free space and select the open terminal here. Now you can see your Windows directory listed on your terminal. Now go to the Windows System 32 and config folder as showing on my screen with super user or root permission. Finally, we are on the config directory. अब यहाँ chnt pwd -h कमांड एंटर करनी है। इसके हेल्प से हम अपने chnt pw कमांड को डिटेल्स में रीड कर सकते हैं। अब हमने अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी यूजर्स को देखने के लिए सिंपली टाइप करना होगा chnt pw -l (Sam). सैम एक्चुअली एक सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर डेटाबेस फाइल है जिसके अंदर हमारे सभी यूजर्स के यूजर नेम और पासवर्ड इनक्रिप्टेड और यू कैन सी हैशिंग फॉर्म में लिस्टेड होते हैं। सो जैसे ही हम इस कमांड को एंटर करते हैं, यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन मेरे सारे विंडोज़ यूज़र यहाँ लिस्टेड हो चुके हैं। अब सपोज मुझे अपने एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र का पासवर्ड रीसेट करना है, उसके लिए सिंपल टाइप करना होगा chnt pw -u (username) लाइक एडमिनिस्ट्रेटर /sam, जैसे ही हम लोग ये कमांड एंटर करते हैं, देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन विल बी डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन। लाइक यू कैन सी पासवर्ड क्रिएट करने के लिए 1, यूजर लॉक अनलॉक के लिए 2, किसी भी यूजर को एडमिन बनाने के लिए 3, किसी भी यूजर को किसी ग्रुप में ऐड करने के लिए 4, ग्रुप से रिमूव के लिए 5 एंड क्यू फॉर द क्यू। अभी हमने अपने यूजर का पासवर्ड रीसेट करना है, सो सिंपली प्रेस 1 एंड डू द एंटर। सो जैसे ही हम लोग 1 प्रेस करके एंटर हिट करते हैं, हमारे यूज़र का पासवर्ड क्लियर हो जाता है और अब वहाँ कोई भी पासवर्ड नहीं होगा और हम बिना किसी पासवर्ड के अब अपने यूज़र में लॉगिन कर सकते हैं। सेम वी कैन ट्राई फॉर अनदर यूज़र विद अनदर डिफरेंट कमांड। नाउ टाइप chnt pw -i /sam। इस कमांड के थ्रू हम अपने यूज़र्स के पासवर्ड, ग्रुप, रजिस्ट्री एटसेट्रा को एडिट कर सकते हैं और साथ ही अपने पासवर्ड को भी रिसेट कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई फॉर पासवर्ड रिसेट, सेलेक्ट 1। जैसे ही एंटर हिट करते हैं, यू कैन सी हमारे सारे यूजर्स यहाँ डिस्प्ले हो जाते हैं। नाउ सेलेक्ट यूज़र आईडी और रेफरेंस आईडी, जिस भी यूज़र का पासवर्ड क्लियर करना है हम। अब हमने अपने सेम फाइल को
वाई एंटर करके सेव करना है। अब हमारे यहाँ दोनों यूजर्स का पासवर्ड क्लियर हो चुका है। नाउ बैक टू आवर विंडोज, सो सिंपली रिबूट आवर काली लिनक्स एंड ऑल्सो इजेक्ट बूटेबल पेन ड्राइव। जैसे ही हम अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करते हैं, हियर यू कैन सी मेरा एक यूज़र अकाउंट ऑटो लॉगिन हो गया। उसने पासवर्ड पूछा ही नहीं बिकॉज वी ऑलरेडी क्लियर। नाउ ट्राई टू लॉगिन अनदर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। सो जैसे ही मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर को सेलेक्ट किया है, ये भी बिना पासवर्ड के ही लॉगिन हो गया। सो गाइस, इस तरह से हम लोग अपने किसी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पासवर्ड क्लियर कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वुड बी इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल फॉर यू। सो इफ यू लाइक द वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद मी। सून वी विल बी मेड अनदर वीडियो। टिल देन बी हैप्पी एंड एंजॉय योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड योर लव एंड सपोर्ट।